मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज हम एक भूत कथा सुनेंगे। एक व्यक्ति अपना भवन बनवा रहा था, वह तीसरी मंजिल पर खड़ा था जबकि उसका राजमिस्त्री नीचे खड़ा था। उसे मिस्त्री से कुछ कहना था पर मिस्त्री नहीं सुन रहा था। उसने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 5 का एक सिक्का फेंका तो मिस्त्री ने उठाकर पॉकेट में रख लिया। उसने 100 का नोट फेंका, उसने वो भी उठाकर रख लिया। हार कर उसने एक कंकड़ उठाकर मारी तो मिस्त्री को जोर से लगी तो उसने चौंक कर ऊपर देखा तो उसका ध्यान मालिक की ओर गया। मालिक ने उसे जो कहना था कह दिया। परमेश्वर हमसे संवाद करता है पर हम संसारिकता में मस्त हैं। वह हमें देता रहता है और हम बिना आभार प्रकट किए लेते रहते हैं, यह सोचकर कि हम भाग्यशाली हैं। उसका स्मरण करते ही नहीं उसे भूले रहते हैं, लेकिन जब दुख मिलता है तो हम उसकी ओर देखते हैं और उससे संवाद करते हुए उसका स्मरण करते हुए कहते हैं कि दुख दूर करो प्रभु। संसारिकता में लिप्त व्यक्ति प्रभु को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही उसे दुख मिलता है उसे भूला हुआ प्रभु याद आ जाता है। लेकिन प्रभु निस्वार्थ प्रार्थना को सहज में सुनता है और सुमिरन करने वाले का दुख अपने आप भर लेता है। अतः प्रभु सुमिरन निस्वार्थ भाव से पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ हर हाल में करना चाहिए। नई चर्चा नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।